बात कुछ पुरानी है, बात कुछ पुरानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1981 का साल था, मौसम बेहाल था, और आया इस भारत देश में क्या कमाल था, वो लड़का लाजवाब था। मेरे दोस्तों, किसी और की बात नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ, माही की बात कर रहा हूँ, जिसने हमें ये सिखाया, ये बताया कि दुनिया के किसी कोने में आप पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच अगर नहीं पैदा हुई, बड़ी सोच नहीं पैदा हुई, तो आप ज़िंदगी में बढ़ नहीं सकते, और ज़िंदगी में आप किसी चाल में, किसी की झोपड़ी में, किसी भी हट में, स्लम में आप पैदा हो सकते हैं। अगर आप अपने दिल में, अपने दिमाग में कुछ ठानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ सपना लेके चलते हैं, तो ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल करने से आप पीछे नहीं रह सकते, चूक नहीं सकते। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट से 15 अगस्त 2020 को अलविदा कहने वाले MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, माही भाई को मैं सलाम करता हूं, और उनके मोटिवेशन के लिए, उनकी सीख के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए मैं उनको हमेशा एक तरह से अपना गुरु मानता हूं, सलाम करता हूं। मेरे दोस्तों, अपना गुरु क्या, मैं भारत के या दुनिया के करोड़ों लोगों का, स्टूडेंट्स का, एक से एक प्लेयर्स का मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ MS धोनी को। MS धोनी का जो सफ़र रहा मेरे दोस्तों, वो 2004 से 2020 का सफ़र रहा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये 16 साल के सफ़र में उन्होंने 1600 चीज़ें ऐसी सिखाई है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। मेरे दोस्तों, एक बच्चा जो टिकट कलेक्टर रहता है, TC रहता है, वो दिल में सपना लेके चलता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है। फुटबॉल खेलने का शौक़ होता है, क्रिकेट खेलने का शौक़ पैदा होता है, क्रिकेट खेलने के शौक के साथ साथ वो सपना जो ठान लेता है, मान लेता है, वो पूरे भारत को, पूरी दुनिया को उसने करके दिखाया। मेरे दोस्तों, चाहे वो आप बैटिंग की बात करिए, फील्डिंग की बात करिए, कीपिंग की बात करिए, कैप्टेंसी की बात करिए, स्पीकिंग की बात करिए, लीडरशिप क्वालिटी की बात करिए, बिजनेस माइंड की बात करिए, ह्यूमैनिटी की बात करिए, अटैचमेंट की बात करिए, मेरे दोस्तों, धोनी एक जीता जागता एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने, जिसको कहा गया कूल कैप्टन, जिसको कहा गया कूल कैप्टन, जिसको कहा गया वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, जिसको कहा गया इंटेलिजेंट कैप्टन, वो कोई और नहीं, MS धोनी। मेरे दोस्तों, MS धोनी को ICICI वर्ल्ड ODI प्लेयर का अवार्ड मिला, राजीव गांधी खेल रत्न मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, 2011 में ऑनरेरी रैंक ऑफ इंडिया, यू नो, लेफ्टिनेंट कर्नल मिला। मेरे दोस्तों, ये अवार्ड्स की बातें तो है ही है, अवार्ड्स उन्होंने हासिल किया, लेकिन करोड़ों दिल को जीतने वाला MS धोनी, देश को आगे ले जाने वाला MS धोनी आज हमें अलविदा कह गया। अलविदा कहते कहते, जाते जाते, हमें इतनी सारी सीख दे के गए हैं कि हम उसको भुला नहीं सकते। ICICI की 3 ट्रॉफीज रखने वाला कोई और नहीं है MS धोनी। एक ऐसा विकेट कीपर जो 195 स्टंपिंग्स किया, एक ऐसा प्लेयर जो 332 मैचेस खेला, मेरे दोस्तों, कोई और नहीं, MS धोनी। MS धोनी के ऊपर फिल्म बनी, MS धोनी के ऊपर कोटेशंस बने, MS धोनी के ऊपर बुक्स छपी, MS धोनी को अवार्ड्स मिले, MS धोनी को लोग स्टेटस पे लगाए, DP पे लगाए, दिल में रखे, दिमाग में रखे, और हर बार सुबह उठ के MS धोनी का लोग नाम लेके पढ़ते थे, मेहनत करते थे, इतनी बड़ी मोटिवेशन, प्रेरणा बनने के लिए। धोनी भाई, धोनी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें चुराता हूँ, सीखता हूँ, लोगों को बताता हूँ, ताकि लोग अपने अंदर दिल में ज्वाला पैदा कर सके, दिल में उमंगे पैदा कर सके, दिल में जज्बात पैदा कर सके, दिल में वो चाहत, वो लगन, वो मेहनत, वो इत्मीनान पैदा कर सके कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर आप ठान लिए तो आप कर सकते हैं। आप ही ने कहा कि मैं क्रिकेट में रिटायरमेंट लेने के बाद मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा और अपने देश को सर्व करूंगा, आपको सलाम है। आप अपनी बच्ची को छोड़ के, जब बच्ची की पैदाइश थी, आप छोड़ के चले गए क्रिकेट खेलने, आप देश के लिए क्रिकेट खेले, आपको सलाम है। धोनी भाई, आपने बहुत कुछ सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो ये विदाई है, अलविदा, लेकिन आपने बहुत कुछ सिखाया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू।